सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं सोहन सिंह, केंद्रीय विद्यालय म्यूजिक टीचर, आपके समक्ष जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक है मानसिक अरोगता और उसकी शक्ति के बारे में हम आज विचार करेंगे। सो मैं अपने थोड़े से विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस प्रकार हैं। सो दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने पर हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मानसिक परेशानी को योग, व्यायाम और कई तरीकों से दूर किया जा सकता है। कई बार मेंटल हेल्थ से परेशान लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। इससे अवसाद, चिंता, पैनिक डिसऑर्डर, तनाव, एंग्जाइटी जैसी कई मानसिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। सो मानसिक परेशानियां सोच, मूड, व्यवहार और आजीविका को बदल के रख देती हैं। मानसिक तौर से परेशान होना या फिर तनाव में रहना कोई बीमारी नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। कुछ आसान से फिटनेस टिप्स अपनाकर आप अपनी मानसिक फिटनेस में सुधार ला सकते हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इन नियमों को अपनाने से आप कभी नहीं पड़ेंगे बीमार। सो दोस्तों, अगर हम थोड़े से टिप्स हर दिन रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनको अप्लाई करें, रोजाना उनको करें, तो हम इन बीमारियों से आसानी से दूर हो सकते हैं। जैसे कि हर दिन कम से कम 30 मिनट तक हम अगर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, दिन में कुछ देर किताबें पढ़ें, डांस भी कर सकते हैं और म्यूजिक में भी ध्यान लगा सकते हैं, तो विटामिन बी युक्त चीज़ें खाएं, कम से कम रात को 8 घंटे की नींद अवश्य लें, अपनी हॉबी को पहचानें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें या फिर नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। समय समय पर अपना बेसिक हेल्थ चेकअप करवाते रहें, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते रहें और अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करें। आप जो भी सोचते हैं उसे दूसरों के सामने कहने से ना हिचकिचाएं। दिमाग के व्यायाम के लिए आप क्विज खेलें या पजल सॉल्व करें। हर दिन मेडिटेशन और योग कर सकते हैं। अपनी डाइट में वो चीज़ें खाएं जो आपको मेंटली और फिजिकली फिट रख सकें। लोग कभी भी स्वस्थ और फिट होने के महत्व को महसूस नहीं करते हैं। वे आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को बहुत कम आंकते हैं, क्योंकि वे इसके फायदे कभी नहीं जानते। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य धन है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने जीवन में इसका पालन करते हैं। सो स्वस्थ शरीर है जो, उसका फायदा सबसे बड़ा यही है कि हम दैनिक जो हमारे कार्य हैं उनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्वस्थ रहना ना केवल बीमारियों से मुक्त शरीर है, बल्कि इसका मतलब तनाव रहित दिमाग होना भी है। यदि किसी व्यक्ति का अस्वस्थ मन है तो उसके पास अस्वस्थ शरीर नहीं हो सकता। शरीर और मन दोनों का अच्छा स्वास्थ्य हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें एक भलाई की तरह महसूस कराता है और स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास भी देता है। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहा जाता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य उसे कहा जाता है जहां एक व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम है, जो समाज में साधारण मांग और कार्यों को पूरा करता है। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की कोई एक आधिकारिक परिभाषा नहीं है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचने के पीछे कई सारे कारक मौजूद होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक मतभेद,
प्रतिस्पर्धा पेशेवर सिद्धांत और व्यक्तिपरक आकलन जो मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले तरीकों को प्रभावित करते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो यह आवश्यक रूप से मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि व्यक्ति अब कितनी प्रभावी और सफलतापूर्वक काम करता है, इसलिए सक्षम महसूस करने में सक्षम जैसे कारक हैं, जिसमें सामान्य तनाव के स्तर को संभालने, संतोषजनक संबंधों को बनाए रखने और एक स्वतंत्र जीवन जीने का भी। इसके अलावा इसमें कठिन परिस्थितियों को उबरना और वापस उछाल में सक्षम होना शामिल है। तो जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो अपनी लाइफ में एकदम आगे बढ़ते जाते हैं और अपने जहाँ भी वो जाते हैं अपने माहौल को वो खुशनुमा बना देते हैं खुद ही। सो आप सारे अपना ध्यान रखें और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें ताकि आप अपने दिनचर्या के काम और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे गोल्स अचीव कर सकें। इसी के साथ मैं सोहन सिंह आपसे आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।